काशी खंड तीन भाग का पुस्तक है काशी खंड। काशी में मैंने ये बात कहा था, काशी में जब कार्यक्रम हुआ मैंने ये बात कहा कि काशी खंड तीन भाग लिए, जो शिवानंद सरस्वती धर्म संघ के अंदर उम्र होने से अंदर स्थिर हुए थे। मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दिया कि इसके अंदर जा। मैंने माँ को कहा ये जगह मैं गया ही नहीं, क्यों जाऊं, अंदर एक साधु बैठा है जा। तो मैं उस समय अंदर गया तो एक साधु एक लोहे के चेयर पर लाल कपड़ा बिछा के बैठे थे। आओ वसंत गुरु जी आओ बोला, जिनको मैंने कभी देखा नहीं जीवन में, और उन्होंने भी मुझे नहीं देखा, मैं भी उनको नहीं देखा। मेरे नाम से बुलाया कि आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ, उम्र बीत गई है मेरी, जाना है, आप लेट क्यों किए। आज मुझे माँ की आज्ञा आई आपको मिलने के लिए, आप कौन है मैं नहीं जाता, लेकिन माँ बोली कि इधर जा इस कुटीर में घुस। अंदर गया तो वो कहते हैं कि मैंने जो बद्रीनाथ केदारनाथ में जितनी साधनाएं की वो सभी साधनाओं तुम्हारे शरीर में परिवर्तित करने के लिए मुझे भगवती का आदेश हुआ है। इसलिए माँ ने कहा है कि तुम लाल वस्त्र पहन के आओगे, इसलिए मैं लाल कपड़ा इस चेयर पर लगा के बैठा हूँ। हाथ में पानी लिया उन्होंने, उनका लिखा हुआ पत्र मेरे पास है, इस बात को दुनिया माने नहीं माने, इसलिए मैंने उनसे पत्र लिख के लिया कि मैंने ये शक्तिपात इस साधक को किया है, वो पत्र है मेरे पास, इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता गप्पे मार रहे। और उन्होंने हाथ में जल लेके बोला कि मैं काशी खंड पुस्तक लिखवा शिवानंद सरस्वती मेरे पूरे उम्र के बद्रीनाथ केदारनाथ में 44 वर्ष की हुई साधना इस साधक के शरीर में अर्पित करता हूं। बोलो गुरुदेव की। जब प्रबल भक्ति पुण्य बढ़ जाएगी ना तो बिन मांगे कुआ सामने आएगा, ऐसे अनेक बार मेरे जीवन में हुआ। अभी फिलहाल उस समय विनोद आचार्य कृष्णगिरी में कार्यक्रम कर रहा था, अभी कृष्णगिरी में पिछले साल नवंबर की बात है, एक बूढ़े साधु को 10 करोड़ शिव मंत्र की जाप करने की प्रेरणा हुई। उस प्रेरणा को उन्होंने 60 साल तक बगैर अन्न खाए, बगैर कोई वस्तु खाए, मात्र दूध पर टिक करके 60 साल साधना करके 10 करोड़ मंत्र पूर्ण किया। 10 करोड़ मंत्र जिस शिवलिंग पर पूर्ण किया, पूर्ण होने के अगले दिन उनको सपना आया कि अब तू 3 दिन में मर जाएगा। दक्षिण में कृष्णगिरी नाम का एक क्षेत्र है जहाँ सफेद कपड़ा पहना हुआ एक साधु पूर्व जन्मों से मेरी साधना कर रहा है, शिव साधना में परांगत है, ये लिंग और मंत्र तो उसको दे के आ जा। पूरे सभा में श्रावण का कार्यक्रम चल रहा था, कौन कौन उस समय वहां थे जब वो शिवलिंग आया, जब वो 10 करोड़ जाप से सिद्ध शिवलिंग को मरने के एक दिन पहले लाके कृष्णगिरी में हमको सुप्रत। 10 करोड़ सेठ जाप तो सेठ साहब ने किया, भिकारी को ईश्वर ने फोगट में वो शक्ति दिला दी। बोलो जय गुरुदेव। 60 साल वो तप करना नहीं पड़ा, वो दिव्य शिवलिंग 10 करोड़ जाप से सिद्ध स्वर्ण शिवलिंग आज मेरे पास है, पूरी दुनिया उसका दर्शन करती है। और अगले दिन वो संत मर भी गए, आंध्र के थे, हमारे पास शिवलिंग पहुंचा, अगले दिन वो प्राण छोड़ दिए। और शिवलिंग में 10 करोड़ साधना भगवान ने उनसे करवा के वो पैकेज मेरे हाथ में देने के लिए उनको 60 साल तक अन्न त्यागवाया, भोजन त्यागवाया, खाली दूध पर टिके 60 साल। वो आदमी आवाज तक नहीं निकलता था, जैसे बांसुरी बजाओ तो हवा निकले वैसे उनके मुंह से आवाज निकलता था, क्योंकि 60 साल तक अन्न मुंह में नहीं डाला उस व्यक्ति ने। 10 करोड़ साधना करके वो शिवलोक पहुंचे, लेकिन शिव कृपा मेरे पास पहुंच गई। जय जय गुरुदेव।